हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीलेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार पुनः से आप सबके चैनल टेक विद नीलेश में। गाइज, आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग एक्स में ट्वीट कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ट्वीट कैसे किया जाता है एक्स में, या फिर ट्वीट कैसे करते हैं किसी को भी, इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसानी के साथ मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे ट्वीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो ट्वीट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर ओपन करिए या फिर आप डायरेक्ट एक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने एक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है और इसको हम कर लेंगे ओपन। गाइस, जब आप इसे ओपन करते हैं तो कुछ आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस सामने आता है। गाइस, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके से पेज आता है। यहाँ पे जिन्होंने भी ट्वीट किया होता है वो सारी डिटेल आती रहती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी ट्वीट कर सकते हैं। तो ट्वीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑप्शन वैसे दिखाई देखने को नहीं मिलता, जब ऐसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें थोड़ा सा ठहर जाना होगा। और ठहरने के बाद यहाँ ऐसे ये आप देखिए, जैसे थोड़ा सा नीचे ऊपर करेंगे तो ये प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तब आपको स्पेसेस का ऑप्शन मिलता है, फोटोज़ का, जीआईएफ का, पोस्ट का। तो गाइज, यहाँ जो आपको लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है पोस्ट का, यही है ट्वीट वाला ऑप्शन। तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, इनको आप यहाँ से मे बी लेटर में क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। फिर गाइज, आपके सामने यहाँ पे आ जाता है व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ आप अपनी बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको भी ट्वीट करना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि ट्वीट करना है, या फिर कोई न्यूज़ है जो आप डालना चाहते हैं किसी दूसरे को ट्वीट करके, यानी कि टैग मेंशन करके, तो यहाँ पे आपको अपनी बात लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अभी तक 5G नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे अपनी बात को लिखता हूँ। तो चलिए हम लिख देते हैं कि आखिर मेरे यहाँ 5G क्यों नहीं चलता है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मैसेज टाइप कर दिया है कि मेरे एरिया में 5G क्यों नहीं चलता है, और यहाँ पे हम इंटर में क्लिक करेंगे। ये वाला आप देख सकते हैं इंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एट द रेट का सिंबल लगाएंगे, यहाँ देखेंगे, और हम उसे यहाँ पे टैग करेंगे जिसे हम चाहते हैं कि उसके पास तक हमारा ट्वीट जाए। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एयरटेल इंडिया को हम टैग कर देंगे, क्योंकि सिम हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग चलाते हैं एयरटेल की और साथ में जियो की, तो हम जियो को भी यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट जियो। और जैसे देखेंगे आप जियो लिख देंगे तो यहाँ पे जियो से रिलेटेड आ जाएंगे, आप जिनको जिनको टैग करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज, आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए कोई आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं अपने ट्वीट में, तो यहाँ आप क्लिक करके यहाँ से अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई GIF फाइल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके GIF भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे चॉइस फर्स्ट, चॉइस टू, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई क्विज टाइप का डालना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप इंटर कर सकते हो। तो अभी क्विज अपने को नहीं लगाना है। और यहाँ से अगर आप लोकेशन देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके लोकेशन को इनेबल करना होगा, और लोकेशन जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ पे आपसे परमिशन ली जाएगी। आप परमिशन देने के बाद, यानी कि अलाउ करने के बाद, लोकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपके मैसेज की लिमिट यहाँ से आप देखेंगे, ये अगर ब्लू है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर येलो हो जाएगा तो आप समझ जाइए लिमिट ज़्यादा हो रही है, तो अपने मैसेज को आप शॉर्ट कर दीजिएगा, यानी कि उस शब्द उससे डिलीट कर दीजिएगा। फिर गाइज, आपको यहाँ से पोस्ट में क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पोस्ट में क्लिक करेंगे तो आपका ट्वीट जो है सक्सेसफुली यहाँ से ट्वीट हो जाएगा, और वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें दोबारा से अपने प्रोफाइल के आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल में जाएंगे, और प्रोफाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक विद नीलेश, यानी कि हमारे द्वारा ट्वीट किया गया है मेरे एरिया में 5G क्यों नहीं चलता है, और हमने मेंशन किया है एयरटेल इंडिया को और रिलायंस जियो को। तो गाइज़, यहाँ पे अब डायरेक्ट इनके पास जाएगा कि हमने इनको टैग किया है एक ट्वीट में, तो वो इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, इस तरीके से आप लोग भी ट्वीट बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे फिर आपके साथ पुनः से एक और नए वीडियो में।